हे हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 गेम प्ले वीडियो। और आज की वीडियो में एक बार तो बोल ही दिया मैंने GTA 5 खेलने जा रहा हूँ, तो चलो यार गेम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये गेम एग्जैक्ट वहीं स्टार्ट हुई है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम गेम को एंड किया था। थोड़ा सा भी आगे नहीं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को जाने के लिए गाड़ी हमारे पास है नहीं, तो मैं एक चीट कोड यूज़ करता हूँ बैंडिट। और कोई गाड़ी आएगी तगड़ी से, अबे कुछ ज़्यादा तगड़ी आ गई। अबे भाई ये क्या है, मेरे को लगा वो ट्रक आया भाई, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया भाई, बहुत ही बड़ा। ये नहीं चाहिए था मेरे को, गलत ही चीट कोड कर डाल दिया मैंने। एक दूसरा चीट कोड सर्च मारता हूँ मेरे को, और उसके बाद वो वाला चीट कोड यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कितनी बड़ी गाड़ी थी। वैसे मेरे को बाइक चाहिए थी, बट पहले ट्रक दिखा फिर वो साइकिल में तब्दील हो गया। अलग अलग स्कैम है भाई, ठीक है। तो अभी मैं सर्च कर लेता हूँ एक चीट कोड, और उसको मैं जल्दी से डालता हूँ। और उसका चीट कोड है ROCKET रॉकेट। रॉकेट डाल तो दिया मैंने। और ओ भाई 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 भाई, बाइक तो आगे लेकिन ज़्यादा तगड़ी नहीं है। मतलब मेरे को चाहिए थी यार हायाबूसा निंजा R15, कोई एक अच्छी सी आ जाती तो ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई बात नहीं, बाइक तो बाइक होती है। और तुम लोगों को पता है भाई एक चीज़, मैं कार से अच्छा बाइक ड्राइव करता हूँ, बिकॉज रियल में भी मैं बाइक ही चलाता हूँ यार। कार तो मेरे को आती नहीं चलानी, मेरे को पता है स्टेयरिंग वगैरह कैसे घुमाते, कैसे क्लच, कैसे गियर, कुछ भी नहीं पता मेरे को, बाइक का सब पता है, ठीक है। तो बाइक ज़्यादा अच्छी चला रहा था, बाइक मैंने ले ली। और अब भाई फुल स्पीड में मेरे को जाना है अभी फ्रैंकलिन के घर, 200 की स्पीड, 400 की स्पीड। और यार स्पीड नहीं दिखाता है मेरे को, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि स्पीड मेरे को कैसे दिखा, मेरे को भी तो पता नहीं चला कि मैं रियल में कितनी स्पीड चला लेता हूँ और गेम में कितनी स्पीड में चला लेता हूँ। क्या मैं रियल में ज़्यादा तेज चलाता हूँ या मैं गेम में ज़्यादा तेज चलता हूँ, गेम में ज़्यादा तेज चलती होगी। बाकी यार एक स्कैम हो गया, पता है मैं बाइक से चले जा रहा था और मैं ठुक गया और मैं मर गया, मतलब 400 की स्पीड थी। अरे भाई तू की पंगे ले रहा मेरे से, अबे भाई अभी इनसे पंगे हुए मेरे, मतलब मेरी किस्मत ही ख़राब है भाई आज तो। लास्ट एपिसोड में भी यही हुआ था मेरे से, हर बार अभी इन दोनों को पहले मैंने टकरा देते, दोनों ही तीन है, ये भी गया, ये ले तू मारेगा। अबे मेरे मार, अबे कालूए रुक, तेरी मैं इसकी दोनों में भरूंगा। ये तो गया, ओहे भाभी उसको तो पिस्टल लेके एक मारी, ये खत्म, ये भी खत्म। और भाई मेरे पर लग गई है 2 स्टार की पुलिस, अब भागो यहाँ से, मतलब हद है यार। लास्ट एपिसोड में भी ये हुआ था, फालतू की लड़ाई ले ली थी मैंने, और अभी तो मैं इससे ले भी नहीं रहता, फालतू में ही आ गया। अब इसकी कार छिंदा, अबे भाई कुछ भी अबे यार मैंने सोचा था भाई यहाँ से निकलूंगा मैं, एक तो वहाँ स्कैम हो गया, बाइक ठुक गई मेरी, फिर मैं वहाँ पे मर गया, और अब मैंने सोचा कि यहाँ से निकलूंगा माइकल के घर जाऊँगा, और अब मेरे पे पीछे पुलिस पड़ गई, अब मेरे को यहाँ से बचना होगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ब्रिज के नीचे छुप जाता हूँ, यहाँ शायद बच जाऊँगा, बट यहाँ पे यार जाने का रास्ता ही नहीं है, कहीं जाऊँगा कहाँ मैं यहाँ से। अबे यार यहाँ भी रास्ता नहीं है, मेरे को वापस जाना पड़ेगा, देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह मिल जाती है, जल्दी से निकलता हूँ, रेलवे वगैरह ट्रैक वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा सही है, यहाँ से साइड से निकलता हूँ। हाँ यार ये सही सी गुफा है, ये सही है, यहाँ से निकलता हूँ, यहाँ से कोई नहीं। अबे भाई 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 भाई, भाई, भाई रुक रुक रुक। अबे यार गलत ही स्कैम, रेलवे ट्रैक तो मिल गया बट खुले एरिया में मैं आ गया, अब यहाँ से मेरे को निकलना पड़ेगा, और ऐसे ही रेलवे ट्रैक पे चलना पड़ेगा जिससे सामने से पुलिस ना रही हो, और सामने से पुलिस आ रही हो तो सॉरी ट्रेन आ रही हो तो मेरे को उड़ा देगी भाई, ये स्कैम और। अबे नहीं 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 नहीं, पता रेलवे ट्रैक पे गाड़ी चलाना भाई सही में, देखो इधर ट्रेन आ रही थी और मैं इधर ठुका हूँ, बच गया, मतलब नहीं तो रेल ट्रेन तो उड़ा देगी तो फिर मैं मर ही जाऊँगा। एक बार तो सीन हो गया मेरे साथ, दोबारा मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ दोबारा से सीन हो, तो मेरे को यार जल्दी से पुलिस हट जाए, मेरे से स्टार हट जाए और फिर सही रहेगा भाई। यार एक तो मेरी कार, देखो कार का जो स्पेस होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो गाड़ी ठुकती रहती है मेरे से। बाइक होती है तो मैं जल्दी ठोकता नहीं, बस उड़ा देता हूँ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो गाइस भागते 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 मैं बहुत दूर हाईवे पे आ चुका हूँ, बट फिर भी अभी पुलिस नहीं, पुलिस ने मुझे नहीं छोड़ा है, और वो मेरे पीछे आए जा रही। तूने उठ कैसे ठोका मेरे, तू गई अब भाई, मैं इसकी कार लेता हूँ और फिर से बताता हूँ, तू निकल बाहर निकल चल, मैं इसकी फालतू में ठोकेगा मेरे को। अबे डॉलर क्या मेरे को, ओ भाई प्लस 12, अबे मेरे को $12, ओ स्कैम भाई, पुलिस भी हट गई। अबे ये सही है यार, पुलिस भी हट गई, $12 भी मिले, बढ़िया है भाई। यार ये मेरे को समझ नहीं आया कि पुलिस क्यों हट गई, मैंने कार चेंज करी तो पुलिस भी, मतलब पुलिस ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया और $12 भी मिले भाई। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ बताओ तो एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं माइकल के घर और फिर देखते हैं माइकल क्या कर रहा है आजकल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को माइकल से मिले हुए, ठीक है। तो आज भाई फ्रैंकलिन जो है माइकल से मिलेगा और उसके बाद देखेगा कि क्या होता है। तो गाइज मैं फ्रैंकलिन माइकल के घर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर देखो एक प्यारी सी कार खड़ी है जो कि माइकल की है, हम मतलब मैं ही चुरा के लाया था, माइकल जो मैं बना हुआ था। और अब अंदर घर में चल के देखते हैं कि अंदर, अबे भाई 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 ये कौन है, अबे ये बिना कपड़ों कौन भर, माइकल है क्या ये,
हेलो माइकल, हेलो मैं फ्रैंकलिन। अबे भाई फ्रैंकलिन तो अंदर आ गया और माइकल तो यहाँ, और ये इसकी बीवी। ओ भाई ये क्या सीन हो गया, गलत। देखो भाई मैं तो समझ गया, आप लोग समझे नहीं समझे मेरे को नहीं पता, मैं आप लोगों को बताता हूँ सीन क्या हुआ है। माइकल कह रहा है तू चल रहा है फ्रैंकलिन मेरे साथ या नहीं चल रहा है। तो भाई सीन ऐसा हुआ है कि देखो इस गेम में ये है माइकल की वाइफ, और माइकल की वाइफ का जो है अफेयर चल रहा था किसी लड़के के साथ, और अभी वो दोनों एक ही जगह पर पकड़े गए हैं और माइकल ने उनको देख लिया है। और भाई ये तो यार ये धोखा, लड़कियाँ कब सुधरेंगी भाई, लड़कियाँ कब सुधरेंगी मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। ठीक है, तो धोखा हुआ है और फ्रैंकलिन यहाँ पे गुस्से में आ चुका है इस बंदे के घर पे, और अब भाई इसको उड़ाने की सोची है माइकल ने। ठीक है, और भाई इसके घर आ चुका है, अब देखते हैं क्या ही सीन होता है। माइकल बहुत ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि उसकी वाइफ के साथ इसका अफेयर चल रहा था। इसको तो पहले अपनी वाइफ पे गुस्सा करना चाहिए था, बट वाइफ का तो पता नहीं, वाइफ पे तो बाद में कर लेगा, बट अभी भाई ये इसका अलग ही बैंड बजा देगा। पता नहीं भाई माइकल क्या क्या करेगा, बहुत गुस्से में लग रहा है। बाकी हम इसकी बातें सुनते हैं, देखो ये क्या क्या करता है। I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro. But sometimes it's got to get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand. On your face! Oh, Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. Yeah. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal. तो गाइस यार यहाँ पे माइकल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और माइकल ने पता नहीं कितनी सारी उसको गालियाँ दे दी। और अब माइकल क्या करेगा, देखो फ्रैंकलिन को उसने बोला कि रस्सी वस्सी बांध देने के लिए, अब उसके घर से इसने रस्सी बांध दी। अब भाई माइकल जो है, अब मेरा काम है मतलब कि उसके घर की से जो रस्सी मैंने बांध ली है, अब मेरे को उस रस्सी को खींचना और इसके घर को गिरा देना है। उसके साथ एक और लड़की थी, मतलब उसका दो जगह पर अफेयर चल रहा है भाई। गया इसका भाई घर, गया माइकल ने इसका घर गिरा दिया, मतलब मैंने गिरा दिया भाई। इसका घर तो अब तोड़ के ही रहेंगे, क्योंकि इसने माइकल की वाइफ के साथ ऐसा सीन करा है। ठीक है, मेरे को एक्सेलरेट रखना है, मेरे को पता है तुम मेरे को मत सिखाओ। और भाई इतना प्यारा, खत्म भाई खत्म, तोड़ दिया इसका घर माइकल ने, ले लिया अपना बदला और ठुक कर रहा थी। नहीं यार यहाँ पे ये वाला गाना नहीं बजना चाहिए। अगर माइकल उसको छोड़ के अपनी वाइफ को किसी और लड़की के साथ रहता तो ये वाला गाना बजना चाहिए। और भाई इसके घर की तो धज्जियाँ उड़ा दी, मतलब पूरा का पूरा घर माइकल ने एक सेकंड के अंदर, चुटकियों के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया है, तोड़ के रख दिया है। और अब जरा हम चल के देखते हैं इसके घर का क्या हाल है ना। अब जरा पास से जाके देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा यार, क्योंकि दूर से तो टूट गया। जरा पास से देखते हैं क्या चल रहा है, पत्थर वत्थर कैसे इसके हैं ना। और यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी को आगे करके अब चलते हैं। ठीक है, अब ठीक है। और देखो भाई इसके घर का हाल, भाई सारा का सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। और ऊपर की साइड थोड़ा सा चल के देखते, वैसे मैं यहाँ से ऊपर तो नहीं चढ़ पाऊँगा, तो हाँ यहाँ से मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँ, कोई नहीं। हमें जाना है अभी माइकल के हाउस, ठीक है। तो हमें अपने अभी घर चलना है, और कॉल आ रही है, इससे बात करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a plug. You! Yes, dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. तो गाइस यार यहाँ पे एक स्कैम हो चुका है, जिसका हमने अभी घर तोड़ा है वो क्या कहते हैं माइकल, सॉरी उस बंदे का घर नहीं था, वहाँ पे जो एक लड़की थी उसका घर था। कोई बात नहीं, वहाँ से हम तो निकल चुके हैं और अभी माइकल के हाउस पे पहुँचने ही वाले थे, और ये मेरे पीछे बंदे पड़े हुए हैं, ये क्या सीन है। अभी तक तो सब सही था और मेरे पीछे बंदे पड़ गए एकदम से। अरे भाई कहीं ऐसा सीन तो नहीं है कि उसने बोला वो उसका घर नहीं है, तो ऐसा हो गया हो कि वो जिसका उस लड़की का घर था तो भाई उसने गुंडे वंडे भेज दिए। भाई बहुत सारे गुंडे पड़ गए यार, बहुत सारे हैं भाई, ये तो हद से ज़्यादा बंदे हैं। मतलब दो गाड़ी में ये गुंडे भरे पड़े हैं और एकदम से मेरे पीछे पड़ गए हैं। पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़े, शायद वही सीन है कि वो जो लड़की थी ना उसने गुंडे वंडे भेज दिए मेरे पास, और अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा तेज़ी में। और भाई मेरी गाड़ी फूटते ही जा रही है, मतलब यार
क्या ही बोलूँ मैं, कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँगा। और ये गाड़ी भी पता थोड़ी सी अजीब सी है, वैन टाइप की है ना, तो बहुत ज़्यादा थकेल हो एक बार और थक गई। मतलब क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घूमेगा, पता है मैं ठोक ठोक के खुद ही मर जाऊँगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि गाड़ी इतनी ठुकी रही है। बस फ्रैंकलिन उनको मार देगा क्योंकि फ्रैंकलिन फायर कर रहा है, और अगर फ्रैंकलिन का एम अच्छा रहा, वैसे तो फ्रैंकलिन का बहुत अच्छा एम है, ठीक है, तो फ्रैंकलिन इनको मार ही देगा। बाकी यार ये देखो, मेरे को ना कह रहा है कि बार बार कैरेक्टर चेंज करने को बोल रहा है, माइकल से मेरे को फ्रैंकलिन के कैरेक्टर में आने को बोल रहा है। अब वो चीज़ कैसे होगी वो मुझे नहीं पता, तो वो लोग कॉमेंट में बताना। पहले भी ये चीज़ हो चुकी है कि ये कैरेक्टर चेंज करने को कहता है, बट मैं कैरेक्टर चेंज नहीं कर पाता हूँ, तो ये एक इशू है यार, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी यार यहाँ पे हम लोग बचते 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 बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं, और अभी भी उन लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, मतलब फ्रैंकलिन उन लोगों को नहीं मार पाया, और वो लोग तो मेरे को मार ही नहीं सकते, ठीक है, तो मेरे को ही उनको मारना पड़ेगा, बट अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाई है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ, और कार तो अभी अच्छी चल रही है, मैं ठोक भी नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही कार अच्छी चलती रहे तो जल्दी से उनका पीछा छूट जाएगा। बाकी यार आ तो चुके हम काफ़ी टाइम। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो गुंडे थे उन्होंने तो हमारा पीछा छोड़ दिया है, और उनसे लड़ाई वड़ाई जितनी भी होती वो सारी की सारी ख़त्म हो गई है। मे बी फ्रैंकलिन ने उन्हें मार दिया हो, या वो उन्होंने खुद ही रास्ता छोड़ दिया, ऐसा कुछ सीन हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से माइकल के घर पे, और उसके बाद चल के देखते हैं कि वहाँ का क्या सीन है। वहाँ से हमने लड़के से तो बदला ले लिया, और हम लोगों को मार लेना है बदला माइकल की वाइफ से। तो गाइज यार यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं माइकल के घर, बस थोड़ी सी दूरी और बचे, थोड़ी सी दूरी क्या पहुँच ही गए हैं, बस एंट्री ही लेनी है माइकल के घर में, बाकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कार मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये कार अच्छी नहीं है यार, और एक कार की तो धज्जी हो गई, मतलब आगे से आप देखो कितनी ही गंदी लग रही है कार, इतनी ज़्यादा ठुकी है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं इस कार के साथ वापस आ ही नहीं पाऊँगा, बट आ गए कैसे न तैसे करके, ठीक है। तो अब गाइज हम लोग आ चुके हैं, और अब चलते हैं घर में, जल्दी से चल के देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो गाइज यार यहाँ पे फ्रैंकलिन और माइकल की बातें चल रही हैं, इन दोनों की बातों में क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आता। एक तो इन लोगों की लैंग्वेज भी मेरे को समझ नहीं आती है ना। तो गाइज यार यहाँ पे माइकल और फ्रैंकलिन बात ही कर रहे थे, और यहाँ पे पता नहीं एक और गाड़ी आ गई है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गुंडे आए हैं। ये एक गुंडा है, और इस गुंडे का नाम मेरे को याद नहीं है, बट ये क्या करने आया है, शायद ये ऐसा तो नहीं है कि वो उस लड़की का बाप है जिस लड़के के साथ वो लड़की थी, और उसी लड़की का शायद ये बाप है। ये फ्रैंकलिन को कह रहा है, नहीं ये फ्रैंकलिन को तो नहीं कह रहा, हाँ फ्रैंकलिन से इसने आईडी ले ली है, ठीक है। अबे भाई इसने फ्रैंकलिन की आईडी क्यों रख ली, पता नहीं क्या सीन है। चलो इन दोनों की जो भी है लड़ाई वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग आगे ही बढ़ते रहेंगे, देखते हैं इन लोगों का क्या सीन है, ठीक है। Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. अबे भाई 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 मार क्यों रहा है ये माइकल को, इसका नाम है मड्राजो और ये माइकल को मार रहा है, ये क्या बात हुई, उसने एक डंडी धर दी यार माइकल के। भाई देख तूने माइकल को मारा, तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी यार आप लोग मेरे को एक बार कमेंट में बताना इसने माइकल को क्यों मारा, और मैं इससे बदला कैसे ले सकता हूँ, ये दो चीज़ें मेरे को जरूर बताना। कुछ मत बताना, मैंने जितना भी पूछा होगा ना वीडियो में कुछ मत बताना, बस ये जरूर बताना कि इस मड्राजो को माइकल कैसे मारेगा, और ये बंदा कहाँ मिलेगा, इसको मारना जरूर है, और ये है कौन, क्योंकि इसने माइकल को मारा है, माइकल को मतलब कि इसने मुझे मारा है, और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। डिस्ट्रॉयर नाम है मेरा, मैं नहीं छोड़ सकता, सॉरी माइकल नाम है मेरा। बाकी यार माइकल बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है, मतलब मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है कि यार कि ये लोग माइकल के घर में, हाँ देखो गाइस सही बोला मैंने, ये वही लड़की है जो उस लड़के के साथ खड़ी थी, मतलब जो भी मैंने गैस करा वो सारा का सारा सही था। चल उठ मेरे दोस्त, आ जा, तेरे को इनने मारा है ना, तेरा मैं बदला जरूर लूँगा। इन लोगों ने माइकल को मारा तो मारा कैसे, इन लोगों को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है मेरे दोस्त के साथ, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त के साथ, जो भी हुआ है देख मेरे दोस्त, जो भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ की वजह से हुआ है, अगर मेरी वाइफ ऐसी नहीं होती तो ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं होता, बट कोई बात नहीं, तू है ना मेरे साथ दोस्त, बस। तो चलो यार यहाँ पे माइकल और फ्रैंकलिन की जो भी काम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, और माइकल जा रहा है अपने घर के अंदर, और यहाँ पे माइकल ने अपना दरवाज़ा लगा लिया, और गाइज यहाँ पे ये मिशन हो चुका है कंप्लीट।
फुल एंड फाइनल ये मैरिज काउंसलिंग नाम का जो मिशन था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी मिशन वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बाकी यार, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो को अगर शेयर नहीं करा तो वीडियो को भी कर देना शेयर। और बाकी आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।